एक बहुत अच्छी औषधि अपने स्वयं का घर में है, उसका नाम है नमक। बहुत अच्छी औषधि। यह नमक क्या काम में आता है? जिसको भी ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, लो बीपी, उसकी सबसे अच्छी औषधि है नमक। क्या करना है? इसको पानी में मिला के पीना। जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनको नमक पानी में मिला के पीना सबसे अच्छी औषधि है। कितना नमक और कितना पानी? एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मिला सकते हैं या आधे चम्मच से थोड़ा कम। उतना अगर नियमित रूप से पिएंगे तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी बिल्कुल ठीक कर देगा। और यही नमक हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। लेकिन वो कैसे ठीक करता है? हाई ब्लड प्रेशर की जिनको बीमारी है, उनको नमक मिला के पानी में स्नान करना, पानी से, नमक पानी से स्नान करना। हाई बीपी जिनको, लो बीपी जिनको है, उनको नमक पानी पीना है। हाई बीपी जिनको है, उनको नमक पानी से स्नान करना। एक बाल्टी पानी में 100 ग्राम नमक मिला दीजिए, इस नमक पानी से स्नान करिए। स्नान करते समय पानी को कभी सिर पर मत डालिए, सिर को छोड़कर पूरे शरीर पर डालिए। और स्नान करने के बाद शरीर को 5-7 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको पोछने का नहीं। नमक लगा है तो लगा रहने दीजिए, कपड़े पहन लीजिए। और कभी भी साबुन मत लगाइए, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर 15 से 20 दिन में ही ठीक हो जाएगा। नमक पानी से स्नान करें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कौन सा नमक सबसे अच्छा? जो नमक आता है वो सेंधा नमक सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पे जो नमक आता है काला नमक, और तीसरे नंबर पे नमक आता है वो क्रिस्टल फॉर्म का नमक, पाउडर नहीं, वो जो छोटे छोटे डेले में आता है ना क्रिस्टल, वो नमक। ये जो पाउडर वाला नमक आजकल बाजार में आ रहा है आयोडीन युक्त, ये तो बहुत ही खतरनाक है। सरकार ये जबरदस्ती सबको खिला रही है। हमने इसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है भारत सरकार ने, भारत सरकार के विरुद्ध हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है। ये जो जबरदस्ती सबको आयोडीन युक्त नमक खिला रहे हैं ना, ये बहुत ही खराब है। आप कोई भी मत खाइए इसको, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक कभी भी मत खाइए। क्यों नहीं खाए वो जान लीजिए। दुनिया में जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे 24 देश हैं जिनमें आयोडीन युक्त नमक 20 साल पहले बैन कर दिया गया। कारण उसका क्या? इन सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक खाने से एक गंभीर बीमारी आई जिसका नाम है नपुंसकता, इम्पोटेंसी। तो वहां के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके रिपोर्ट दिया कि इम्पोटेंसी का, नपुंसकता का सबसे बड़ा कारण है आयोडीन युक्त नमक। तो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, सभी देशों में ये बैन कर दिया गया। फिर वहां का ये नमक भारत आ गया और भारत में सबको जबरदस्ती खिला रहे। तो हमने मुकदमा किया है सरकार के खिलाफ। तो एक दिन क्या हुआ कि भारत सरकार का एक अधिकारी, वो आया अदालत में, मुकदमा होता है ना तो आना पड़ता है। तो हमने एक दिन उसको पूछ लिया कि भाई तुम ये जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो सबको आयोडीन युक्त नमक? तो उसने कहा, राजीव भाई बात ऐसी है कि हमारी भारत सरकार का फैमिली प्लानिंग फेल हो गया और जनसंख्या बहुत बढ़ गई, तो हम सबको जबरदस्ती आयोडीन युक्त नमक खिला रहे। 4-5 साल में नपुंसकता आ जाएगी, तो बच्चे पैदा होना अपने आप कम हो जाएंगे, तो भारत की समस्या का परिहार समाधान हो जाएगा। ऐसी हरामखोर सरकार है। इसलिए मेरी आपको छोटी सी विनती है कि आप ये आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल मत लाइएगा। आप नमक लाइए तो वो सेंधा नमक लाइए, पत्थर वाला, या तो काला नमक लाइए, नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का जो नमक आता है वो लाइए। उसको धोकर और कूटकर पीसकर पाउडर बना के उसको उपयोग में लाइए। बाजार से पैकेट में बंद जिस पर लिखा हुआ है आयोडाइज्ड, वो कभी मत लाइए। और मैं आपको एक माहिती देता हूं कि आप बोलेंगे कि घेंगा रोग हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, कभी नहीं होता। मैंने आज तक आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया, मुझे घेंगा नहीं, मेरे परिवार में किसी ने नहीं खाया, किसी को नहीं। क्यों नहीं होता घेंगा? मैं आपको बताता हूं। आयोडीन की जरूरत जितनी हमारे शरीर को है, उतनी आयोडीन सभी दालों में होती है।
ये जो तूर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, सभी में आयोडीन है। हल्दी में भी है। हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है, गाजर में आयोडीन है, मूली में आयोडीन है, बटाटा में आयोडीन है, जमीन के अंदर से जितनी सब्जियां निकलती है सभी में आयोडीन है, शेंग दाने में तो सबसे ज्यादा आयोडीन है। इसलिए जीवन में जो भी हम भोजन कर रहे हैं, ज्यादातर भोज्य पदार्थों में आयोडीन है, फिर बाहर से आयोडीन लेने की कोई गरज और जरूरत नहीं है। ये जबरदस्ती सरकार ने अभियान चला रखा है और इस अभियान के पीछे दो उद्देश्य हैं। एक तो भारत में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता लाना ताकि लोक संख्या कम हो। दूसरा उद्देश्य ये है कि 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए किलो बिकवाना। जो सादा नमक है वो 15 पैसे किलो आता, लेकिन उसको 7 रुपए किलो सरकार ने बना दिया, ये आयोडीन युक्त नमक के नाम पर, और आपकी जेब लूट रहे हैं। आप खुशी से लुटवा रहे हैं क्योंकि आपको माहिती नहीं है, आपको ये माहिती नहीं है कि आयोडीन तो सभी भोजन पदार्थों में है। हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है, सभी दालों में आयोडीन है, जमीन के नीचे से जो भी सब्जी निकलती है सभी में आयोडीन है। बिना आयोडीन का दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए अतिरिक्त आयोडीन की शरीर को कोई गरज और जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अतिरिक्त आयोडीन शरीर में आ जाए तो नपुंसकता आ जाती है, ये पक्का है। इसलिए आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए, सादा नमक लाइए वही खिलाइए। तो नमक कौन सा खाएंगे कल से तय कर लीजिए। वो सेंधा नमक सब जगह मिलता है, थोड़ा महंगा आता है वो ले आइए। और एक नमक आता पाकिस्तानी नमक नाम से मिलता है, लाहौरी नमक के नाम से मिलता है, वो भी अच्छा है। नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का डेले वाला नमक वो सब गाँव में मिलता है, वो लाइए उसी का उपयोग करें। आयुर्वेद में बागभट्ट संहिता में एक सूत्र है हाई ब्लड प्रेशर के लिए और लो ब्लड प्रेशर के लिए संस्कृत में। तो उस सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्त दबाव, उनको समुद्र स्नान करना चाहिए। अब 40 गांव में समुद्र कहां से आएगा स्नान करने के लिए? तो इसलिए मैंने आपको सरल करके बता दिया कि आप पानी को जब स्नान कर रहे हैं तो उसमें नमक मिला दीजिए, समुद्र तैयार हो गया। समुद्र का माने है नमक का पानी, तो बाल्टी का पानी है उसमें नमक मिला दीजिए, समुद्र तैयार हो गया, इस पानी से स्नान करिए। तो ये हाई ब्लड प्रेशर की सबसे अचूक, सबसे सरल, सबसे अच्छी दवा है। हाई ब्लड प्रेशर के किसी भी मरीज को नमक मत खिलाइए, नमक के पानी का स्नान कराइए। और लो ब्लड प्रेशर के किसी भी मरीज को नमक खिलाइए ज्यादा से ज्यादा। कम से कम आप महीने भर तो नहा ही सकते हैं, बीच में 5-7 दिन ब्रेक करके फिर महीने भर नहा सकते हैं, ब्रेक कर करके 3 बार एक एक महीने नहा सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।